मायसेल्फ राहुल वर्मा आईएएस ऑफिसर 2016 बैच। वेलकम टू टारगेट आईएएस। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन 2020। सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, सभी लोग तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टिव स्टूडेंट्स का ही एग्जाम निकलता है। वो इसलिए निकलता है कि वो लोग एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और पूरे डेडिकेशन के साथ एग्जाम को पढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को आज कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज को थोड़ा इंप्रूव कर पाएंगे और अपना सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे कि आप लोग हमें क्या क्या गलती कर रहे हैं और आपको किन किन चीज़ों के सुधार की जरूरत है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, तो इसे लास्ट तक देखिए। अगर आप पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन इसे लास्ट तक देखिए अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तब आपको समझ में आएगा कि आप क्या क्या गलती करते थे और आपका सिलेक्शन नहीं होता था। अक्सर अगर हम लोग पढ़ते बहुत अच्छी तरीके से हैं और एक ख्वाबे की दुनिया में रहते हैं बिल्कुल, कि हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ सिलेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के पढ़ना पड़ता है, तभी जाके आपका एग्जाम निकलेगा। मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है सभी चीज़ों का, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग बता रहा हूँ कि आप लोग कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करिए मेरे द्वारा बताई हुई, और डेफिनेटली आपका एग्जाम निकलेगा और एटलीस्ट आप लोग इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन 2020 कम टाइम में आप लोग एटलीस्ट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाएंगे, जिसके बाद आप लोग मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। एक चीज़ अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स्ड कर लीजिए कि हमें बिल्कुल ठान लीजिए कि हमें इस साल आईएएस निकालना है। उसके लिए आपको कितना भी पढ़ना पड़े, कितना भी परेशान होना पड़े, आपको कितना भी टाइम देना पड़े, ठीक है ना, बिल्कुल पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करिए। अगर मान लीजिए किन्हीं कंडीशनों की वजह से अगर आपका थोड़े बहुत मार्क्स से अगर आपका आईएएस रुक गया, नहीं निकला इस साल, लेकिन आप लोग एक चीज़ डेफिनेटली सीख जाएंगे अगले साल कि मैंने कौन कौन सी गलतियां की थी जिसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला, और आप लोग उस काबिल होंगे, अपने आप में वो एक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे कि अब नेक्स्ट टाइम हमारा निकल ही जाएगा। तो जब आपका नहीं निकलता ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा के जाता है वो एग्ज़ाम। बस उसके लिए एक ही चीज़ चाहिए कि आप लास्ट तक पूरा एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करिए और उसको एग्ज़ाम में अपेयर होइए और पूरे तरीके से उस डेडिकेशन के साथ उस एग्ज़ाम को दीजिए, फिर आपका सिलेक्शन हो ना हो। इसलिए मैं कहता हूँ अपना 100% दीजिए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम आप लोग, नेक्स्ट ईयर आप लोग बहुत स्ट्रांग होंगे इस फील्ड में, अपनी फील्ड में और सिलेक्शन के लिए, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ने में आप भले ही कितने भी कमज़ोर हों, आपके बस इरादे इतने मजबूत होने चाहिए कि आप लोग बस आईएएस निकाल लेंगे। आईएएस निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बहुत बड़े कॉलेज से पढ़ाई की, आप लोगों ने बहुत अच्छे कंसेप्ट हों आप लोगों के, कि आपने IIT NIT से पढ़े, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा। नहीं, आप प्राइवेट कॉलेज से ही पढ़ें, आपका तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। बस एक ही चीज़ है, वो आपका डेडिकेशन है और आपकी मेहनत है। आप जितना अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे उतना आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आईएएस में 80-90% जो बच्चों का सिलेक्शन होता है ना, वो प्राइवेट कॉलेज के बच्चे होते हैं जिन लोगों का सिलेक्शन होता है आईएएस में। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपके पूरा फोकस चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़िए और बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये सारी फालतू की चीज़ें बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। कभी कभार तो बच्चे मुझसे मिल करके पूछते हैं कि सर मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई, प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाई, मैंने आईएएस में सीटें भी बहुत कम है, एग्ज़ाम बहुत टफ है, 3-4 महीने बचे हैं, मैं एग्ज़ाम छोड़ दूँ क्या सर, मत दूँ, नहीं दूँ इसको। अगर मान लीजिए आप लोग लास्ट के टाइम पे आगे 3-4 महीने में अगर एग्ज़ाम आपको छोड़ना ही है, तो आपको स्टार्टिंग के 5-6 महीने से स्टार्टिंग की तैयारी करनी नहीं चाहिए थी। आप किसी एक दूसरे एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम के ओरिएंटेड पढ़ाई करते तो आपको वो एग्ज़ाम निकल जाता। आप लोगों ने क्या किया, 5-6 महीने पढ़ाई की और आप लोग डिप्रेस हो गए लास्ट में। आप लोगों ने 3-4 महीने के जो आपके बचे हुए थे उसमें आपने ड्रॉप कर दिया अपना आइडिया। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोगों को अपना आइडिया ड्रॉप नहीं करना है, एग्ज़ाम को नहीं छोड़ना है, पूरी तैयारी करनी है और लास्ट तक जाना है और पूरा आपको एग्ज़ाम देना है सही तरीके से। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख के जाएंगे इस साल अपने एग्ज़ाम से, और अगले साल ऑब्वियसली आप लोग बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर पाएंगे, उस एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। और अगर मैं सीटों की बात करूँ, सीटें बहुत कम है, तो आपको कितनी सीटें चाहिए, 500-600? नहीं, सिर्फ आपको एक सीट चाहिए, और अगर उस एग्ज़ाम में एक सीट निकल के आ रही है तो वो आप लोगों के लिए है, वो आपके लिए है और आप उसके लिए एलिजिबल हैं और आप वो फाइट करके उस सीट को ले सकते हैं। चलिए, मैंने थोड़ा बहुत मोटिवेट किया आप लोगों को, आप बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं इस वीडियो के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है फोकस ऑन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फर्स्ट। ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है फोकस ऑन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फर्स्ट। अभी आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, 4-5 महीने बचे हुए हैं, उसके लिए आप लोगों को तैयारी बिल्कुल टू द पॉइंट करनी पड़ेगी। और सबसे पहले प्रीलिम्स से फोकस करिए, क्योंकि आपको पहले ही बता चुका हूँ मेंस के लिए आप लोगों को लास्ट में आपको 6 महीने मिलेंगे, उसमें आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। अभी आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, अपना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करना है, आप लोगों को टेस्ट सीरीज देना है और जो भी आपके सब्जेक्ट और सिलेबस जो भी बचा उसको कवर करना है, लेकिन आपके पास टाइम बहुत कम है, आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स से फोकस करिए और जितना हो सकता है प्रैक्टिस करिए, लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, तभी जाके आप लोग
इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। आप लोग कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन मत लगाइए अभी, बहुत ज़्यादा डेरिवेशन फार्मूले और बहुत टफ चीज़ें आपको पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड बेस पढ़ाई करिए आप लोग, कि आप लोगों का एटलीस्ट फर्स्ट टाइम आपका प्रीलिम्स तो निकल जाए, तब तो आप लोग मेंस के लिए एलिजिबल होंगे ना। अगर प्रीलिम्स ही नहीं निकला तो मेंस में बैठेगा कौन, ठीक है ना। और उसके लिए एक सिंपल सी चीज़ है कि आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा। आप रोज़ जितना पढ़ सकते हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना पढ़ सकते हैं स्टार्टिंग में उतना पढ़िए, फिर धीमे धीमे उसको इम्प्रूव करिए आप लोग, तब जाके आप लोग अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो प्रीलिम्स एग्जाम्स में फर्स्ट फोकस करिए, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनको उठाइए, एनालिसिस करिए, और तब जाके आप लोग समझ में आएगा कि आप लोग किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ने हैं, समझने हैं और आगे सॉल्व करने हैं आप लोगों को। और अभी इसके बारे में अपन लोग अभी और आगे पॉइंट्स पे अभी बात करेंगे प्रीलिम्स के एग्जाम के लेकिन एग्जामिनेशन को लेके, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम में सिर्फ आपकी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई होनी चाहिए, बिल्कुल फोकस करिए बहुत अच्छी तरीके से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फर्स्ट पर। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, अभी आपके पास टाइम कम है तो फिर सिर्फ और सिर्फ डू नॉट रीड बुक्स फॉर जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज़ के लिए आप लोग बुक्स मत पढ़िए, जो भी मैं आप लोगों को नोट्स दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बहुत सफिशियंट है आप लोगों के इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने 3 या 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स उठाए हैं, उन्हीं से मैं बना रहा हूँ, और अभी वो जो लेटेस्ट जो भी अपडेट कर रहे हैं उस सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैं नोट्स मंगाता हूँ सभी के, जो आप लोग 3 या 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं टॉप की, उन सभी के प्रॉपर मैं नोट्स मंगाता हूँ उनके अपडेटेड, और उनमें से जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं उनको मैं कवर कर रहा हूँ एक्स्ट्रा टॉपिक में। अगर आपको लगता है कोई आपका ऐसा टॉपिक मैं छोड़ रहा हूँ तो आप उसे बताइए, मेल करिए rahulvarma@gmail.com पे और अपना एक्स्ट्रा टॉपिक का नाम बताइए, मैं उसको कवर करूँगा अपने एक्स्ट्रा टॉपिक के बारे में, एक्स्ट्रा टॉपिक से। अगर आपको बुक पढ़नी है, ठीक है ना, तो आप लोग टेक्निकल के लिए पढ़िए, टेक्निकल पोर्शन के लिए आप लोग बुक पढ़िए। आपका जो भी फील्ड है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, जो भी आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड आप लोग बुक पढ़िए। लेकिन आप लोग अगर जब बुक पढ़ रहे हो ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि एक सब्जेक्ट के लिए आप लोग 1 या 2 बुक ही फॉलो करिए टेक्निकल में, अगर कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं। और मैं तो कहूँगा स्ट्रिक्टली आप सिर्फ एक और एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करिए, और जिससे आपको थ्योरी पढ़ रही है। ये नहीं आप लोग 4 या 5 बुक लेके बैठ गए सुबह और आप लोगों को आज एक टॉपिक पढ़ना था, और एक टॉपिक आपने थोड़ा इससे पढ़ा, थोड़ा इससे पढ़ा, थोड़ा इससे पढ़ा, थोड़ा इससे पढ़ा, 4 बुक से थोड़ा थोड़ा पढ़ा उसको, और थोड़ा सा आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ ही जाएगा, क्योंकि इसकी थोड़ा लैंग्वेज अलग होगी, इसके अलग होगी, इसके अलग होगी, इसके अलग होगी। आप पढ़ेंगे कुछ और समझेंगे कुछ और उसका मतलब कुछ और निकलेगा आप लोगों के लिए, तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा आप लोगों के दिमाग में और आपके रिजल्ट्स बहुत कम आएंगे आप लोगों। तो आपको चाहिए सिर्फ एक ही बुक पढ़ें, स्टैंडर्ड बुक पढ़ें, उसमें जो भी चीज़ें हों टू द पॉइंट्स अपने शॉर्ट नोट्स में उनको कवर करें, ठीक है ना। जब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं आप किसी टेक्निकल सब्जेक्ट को, अदरवाइज किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्लास नोट्स पढ़ लीजिए, बहुत ही सफिशियंट है वो, और उनके अलावा उनकी थ्योरी बुक भी आती है, तो उन्हें टू द पॉइंट्स करते क्या हैं ये लोग, थ्योरी बुक जब बनाते हैं तो वो 4-5 बुक्स को उठा के उनमें से टू द पॉइंट्स चीज़ें निकाल लेते हैं और वो अपने थ्योरी बुक में लिखते हैं उसको। तो आप उनकी थ्योरी बुक पढ़ सकते हैं, फिर क्लास नोट्स पढ़ सकते हैं, क्लास नोट्स पढ़ने के बाद अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उन शॉर्ट नोट्स में आप कोई भी एक बुक पढ़ रहे हैं टेक्निकल के लिए तो उसमें से जो भी टू द पॉइंट्स आपको चीज़ें लगती हैं तो टू द पॉइंट्स चीज़ें लिखिए। ये आप लोगों की प्री के लिए भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और मेंस में भी आप लोग जब आंसर लिखेंगे ना तो सिर्फ टू द पॉइंट्स चीज़ें लिखिए, ज़्यादा चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और नंबर भी मिलेंगे आप लोगों को, और इसके अलावा आप लोग जो आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है उनके लिए आपको टाइम भी मिलेगा, क्लियर ना। आप लोग सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पोर्शन के लिए एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक ही बुक फॉलो करिए, बहुत सारी बुक पढ़ने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कन्फ्यूज़न आ गया आपको। और जनरल स्टडी के लिए कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे नोट्स हैं, फॉलो करिए अच्छे तरीके से, कोई कन्फ्यूज़न आ रहा है बताइए आप, मैं आपके सारे नोट्स, आपके सारे डाउट, सॉरी सारे डाउट आप लोगों को क्लियर करूँगा। देखिए आप लोग करना क्या, सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव नोट्स पढ़ने हैं आपको, बहुत सेलेक्टिव नोट्स पढ़ने हैं, और सेलेक्टिव ही आपको पॉइंट्स निकालने हैं एक स्टैंडर्ड बुक से जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो। हाँ, एक काम कर सकते हैं आप लोग, जैसे टेक्निकल पोर्शन में बहुत सारी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व करने हैं, अगर आप लोग अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर सके हैं, कर चुके हैं, या फिर आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आपके जो भी क्वेश्चन थे आप लोगों की, तब आप टेक्स्ट बुक की तरफ जा सकते हैं, टेक्स्ट बुक से सिंपली अपने न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है सफिशेंट, अदरवाइज अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए और उस पर टू द पॉइंट चीज़ें क्लियर करिए पूरे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, डू नॉट रीड बुक्स फॉर द जनरल स्टडीज़, पढ़नी है तो आपको सिर्फ टेक्निकल के लिए पढ़िए, वो भी सिर्फ एक बुक, 50 बुक पढ़ने की या 4 बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने लास्ट आपका नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, टेक मोर वेटेज टू द टेक्निकल पोर्शन। टेक्निकल पोर्शन को आप लोग इसलिए वेटेज देना है क्योंकि आप यहाँ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है चीज़ें। जनरल स्टडी में आप टू द पॉइंट्स चीज़ें याद कर लेंगे, थोड़ा सा घुमा के पूछेंगे या फिर टॉपिक से हट के पूछ सकते हैं आपसे, तो आप लोग वो क्लियर कर लेंगे और उसमें प्रैक्टिस की कम जरूरत है। जनरल स्टडी में सिर्फ आपको सिर्फ चीज़ें याद करके रखनी है सही तरीके से, लेकिन
आपको टेक्निकल पोर्शन में 3 घंटे में आपको सॉल्व करने हैं 150 क्वेश्चंस, और उसके लिए बहुत अच्छा आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, सारी चीज़ें आप एक टाइम पे रिटेन कर पाएँ, टू द पॉइंट्स आपके नोट्स बने होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जिसको आप रिविज़न कर पाएँ और एग्ज़ाम टाइम पर अपने रिकॉल कर पाएँ चीज़ों को, ठीक है ना। तो इसके लिए प्रैक्टिस और शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी हैं आपके टेक्निकल पोर्शन के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको मोर वेटेज टू द टेक्निकल पोर्शन। इसके बाद जब आपका टेक्निकल बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांग होगा तभी जाके आप 6 महीने जो आपके पास बचेंगे ना, तब जाके उस 6 महीने आप लोग मेंस की प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो टेक मोर वेटेज टू द टेक्निकल पोर्शन, जनरल स्टडी से इसमें इतना फोकस मत करिए, बस जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उनको पढ़िए, पढ़ते रहिए, जहाँ से यहाँ वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है जनरल स्टडीज़ को लेके, जो भी पॉइंट्स को लेके हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो आप फोकस करिए सबसे ज़्यादा टेक्निकल पोर्शन पर, और यहाँ पर आपके रिविज़न और प्रैक्टिस दोनों चीज़ें चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट 3 टाइम फॉर दी टेक्निकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब एक चीज़ देखिए आप लोग, यूपीएससी पेपर किस तरीके सेट करती है, वो करती क्या है, 30% से लेके 40% क्वेश्चन जो आपके लास्ट ईयर, लास्ट 20 ईयर, 25 ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं, लास्ट 20 ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं आपके इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में, या फिर एएस में पूछ लीजिए, जो भी थोड़ा बहुत एएस में तो बहुत कम ऑब्जेक्टिव आए हैं, लेकिन आपके इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2020 में नहीं, आपके जो 20 ईयर के जो लास्ट क्वेश्चन आए ना उनसे आपके क्वेश्चन आते हैं। तो पहले तो आपको एज इट इज़ क्वेश्चन मिल जाएंगे कुछ, कितने परसेंट, 30-40% आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर आपने 20 साल के पिछले क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो ये इतना स्कोर करना बहुत ईजी रहता है। नेक्स्ट आता है आपका लगभग 50% to 60% क्वेश्चन, 60% क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके फॉर्मूले और आपके कंसेप्ट और आपकी थ्योरी बेस्ड रहते हैं। अगर आपके कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हैं तो आप लोग न्यूमेरिकल होंगे, बस थोड़ा सा डाटा चेंज होगा लेकिन आपका कंसेप्ट सेम रहेगा, तो इनको आप लोग इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और कंसेप्ट भी किन पे बेस्ड होगा, जो भी आपके लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन है उन्हीं पे बेस्ड कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट भी चेंज नहीं होगा, फॉर्मूले भी चेंज नहीं होंगे आपके। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको 30-40% मिल जाएंगे, सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 50-60%। जो 10-20% क्वेश्चन आते हैं भाई, 10-20% थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा टफ रहते हैं, थोड़ा अलग वेरिएशन के पूछते हैं और सिलेबस से थोड़ा सा इनका इनका एरिया एक्सटेंड कर जाता है, थोड़ा सा अलग होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इनके ऊपर इतना फोकस मत करिए, लेकिन जो भी अभी तक पढ़ाया गया है आप लोगों को, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो आप लोग या फिर आपने नोट्स फॉलो कर रहे हैं किसी के भी, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। तो मतलब ये होना चाहिए आपके जो लास्ट 20 ईयर के क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं, जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी कंसेप्ट हैं, वो सारे आपके शॉर्ट नोट्स में कवर होने चाहिए फॉर टेक्निकल पोर्शन के लिए, मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि नॉन टेक का भी तो 3 साल से आया है नॉन टेक, तो उसके लिए अभी ज़्यादा फोकस मत करिए। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट 3 टाइम्स फॉर द टेक्निकल, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप जब लोग आप सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चनों को, टेक्निकल के क्वेश्चनों को, ठीक है, तो जो भी गलती कर रहे हैं आप लोग उनको रेक्टिफाई करिए, और जो भी नए टॉपिक आ रहे हैं उनको लिखिए, अपने शॉर्ट नोट्स में लिखिए, और जो भी कंसेप्ट आप लोग भूल रहे हैं उनको भी शॉर्ट नोट्स में लिखिए, समझ में आ रहा है ना। और जब दोबारा से जब आप लोग रिविज़न करेंगे तो फर्स्ट रिविज़न में आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, जैसे 100 क्वेश्चन हुए एक टॉपिक के, तो 100 क्वेश्चन में आप बहुत सारे क्वेश्चन फर्स्ट टाइम ही अटैम्प्ट कर लेंगे। मान लीजिए 20-30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके कंसेप्ट या फॉर्मूले आपको नहीं आ रहे होंगे, तो ये आपने शॉर्ट नोट्स में लिखी रखे हैं, इनको पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से, और फिर दोबारा से जब लगाएंगे तो फिर ये 20-30 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं दोबारा में। ये नहीं कि पूरे के पूरे हम टेक्निकल के पूरे के पूरे हम 20 साल के क्वेश्चन दोबारा लगा रहे हैं। और जब आप तीसरे टाइम क्वेश्चन लगाएं तो सिर्फ आप क्वेश्चन को देखें सही तरीके से, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा इनको क्वेश्चन को देखें, किसी क्वेश्चन में लग रहा है तो उसका रिवीजन करें, अदरवाइज ये जो आपने लिखी है ना यहाँ पे, जो आपसे बन नहीं रहे थे क्वेश्चन, उनके फॉर्मूले कंसेप्ट थ्योरी जो यहाँ पे लिखी ना, सिर्फ उसको पढ़िए। तो आपके शॉर्ट नोट्स तो होने चाहिए आपके पास, और प्लस जो आपके 20 लास्ट के 20 ईयर के क्वेश्चन आए ना उनसे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट थ्योरी है अलग जो आपको समझ में नहीं आ रही वो भी होने चाहिए, तब जाके आपके शॉर्ट नोट्स कंप्लीट होते हैं। और जनरल स्टडी के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ वो टू द पॉइंट है आप लोगों के, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नोट्स उठाइए, मेरे वीडियो लेक्चर्स को पढ़िए और उसमें हाईलाइट कर लीजिए, जो भी आपके की पॉइंट्स वगैरह हैं उनको हाईलाइट कर लीजिए, और एग्जाम में उसको एक बार पलट के देखिए, सफिशियंट है, ठीक है ना। लेकिन आपके टेक्निकल के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें आपको रिकॉल करनी पड़ेंगी तुरंत के तुरंत, फॉर्मूले हैं आप मिस नहीं कर सकते उन्हें, तो की पॉइंट्स और फॉर्मूले और लास्ट ईयर के जो भी 20 ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो आपके शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए। और शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी हैं आपके रिवीजन में, बहुत काम आएंगे ये शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना। आप बनाते रहिए शॉर्ट नोट्स, आपसे क्या इसका रिवीजन भी होता रहेगा आपका, और चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी, क्लियर ना। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का सिलेक्शन के लिए, चाह रहा हूँ कि आप लोगों को सिलेक्शन हो जाए इसी टाइम, जिससे कि आप लोगों को नेक्स्ट टाइम के लिए दोबारा से प्रिपरेशन ना करना पड़े।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट यहाँ पे, फॉलो योर ओन टाइम टेबल। होता क्या है कि आपको सिर्फ अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है, फॉलो योर ओन टाइम टेबल। ठीक है, बच्चे करते क्या है कि अब लोग टॉपर्स टॉपर्स के जो भी उनका शेड्यूल होता है, टाइम टेबल होता है, उसको फॉलो करने लगते हैं, अपने फ्रेंड्स का फॉलो करने लगते हैं, या उनके साथ में जो भी पढ़ रहा है उनके उनका टाइम टेबल फॉलो करने लगते हैं। आपकी देखिए, आपकी जो भी आपका डेली रूटीन है वो आपके टॉपर्स से मैच नहीं करता, ना ही आपके फ्रेंड्स से मैच करता है। आप कितने घंटे पढ़ते हैं, क्या टाइम टेबल आप लोग फॉलो करते हैं। जो टॉपर्स का टाइम टेबल था या जो आपके फ्रेंड का टाइम टेबल है, वो उसकी कैपेसिटी और उसके रूटीन के अकॉर्डिंग है, ना कि आपके। आपको अपनी कैपेसिटी और अपने रूटीन के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए, और अपने ऊपर बर्डन मत करिए इस तरीके से कि हमें 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। आपको जितना लगता है, आपको लगता है कि आप 2 घंटे पढ़ सकते हैं एक दिन में बहुत इफेक्टिवली, तो सिर्फ 2 घंटे ही पढ़िए। ठीक है, 2 घंटे बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए आप लोग, बस ये 2 घंटे बहुत इफेक्टिवली पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन फिर धीमे धीमे अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करिए कि वो आप कि वो 3 घंटे पढ़ने के लायक बन जाए बहुत जल्दी से जल्दी। ठीक है ना, और फिर धीमे धीमे 4 घंटे 5 घंटे और 6 घंटे एट इंस्टेंट एक ही टाइम पे अगर आप उससे बोलेंगे 6 घंटे पढ़ लो, तो आज तो वो 6 घंटे पढ़ लेगा, कल 6 घंटे पढ़ लेगा, 10 दिन 6 घंटे पढ़ लेगा, इसके बाद दिमाग बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा इसके बाद। फिर आप लोग 10 या 15 दिन का गैप मार देंगे और बोलेंगे हमसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी अब। तो आप लोगों को इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, अपने ऊपर प्रेशर बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है ना, जितना पढ़ रहे हैं बिल्कुल इफेक्टिवली पढ़ाई करिए अपनी, और हर एक घंटे की पढ़ाई के बाद, जैसे आप लोग मान लीजिए आप लोग 4 घंटे पढ़ रहे हैं, जैसे आपने 2 घंटे मॉर्निंग में पढ़ा, 2 घंटे इवनिंग में पढ़ा आप लोगों ने, तो जैसे फर्स्ट 1 घंटा पढ़ा आपने बहुत इफेक्टिवली पढ़िए, फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और फिर दोबारा से 1 घंटे पढ़िए। क्योंकि होता क्या है, जब अपना ब्रेन कुछ चीज़ें सीख रहा होता है तो उसकी ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे जाने लगता है, धीमे धीमे थकने लगता है आपका ब्रेन, तो उसको थोड़ा रिलैक्स चाहिए। ऐसा नहीं 2 घंटा कंटिन्यूस पढ़ सकते हैं आप लोग, लेकिन उतनी इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं होगी। तो इसके बीच में आप लोग 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। इस 10 मिनट की ब्रेक में ये नहीं कि आपने फ़ोन उठा लिया, फिर अपना लैपटॉप ओपन कर लिया, म्यूज़िक सुनने लगे, यहाँ वहाँ टहलने लगे, नहीं, थोड़ा सा यहाँ वहाँ टहल सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा स्नैक वगैरह ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं आप लोग, और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। इसके बाद फिर से आप लोग 1 घंटे के दूसरे स्लॉट के लिए आप लोग बैठ जाइए। तो अपने अपने माइंड को जितना हो सकते हैं मैक्सिमम ट्रेन करिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके इफेक्टिवली। ये नहीं उसको ज़बरदस्ती नहीं पढ़ना आप लोग 6 घंटे, जितना आपकी बॉडी और ब्रेन जितना सस्टेन कर सकता है उतना ही पढ़िए आप लोग, और सिर्फ उतना ही पढ़ना है आप लोगों को, और धीमे धीमे इम्प्रूव करना है। ये नहीं अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं करना है, कोई प्रेशर को करना है बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रेशर करना है, नहीं हमें इसी साल निकालना है, ये करना है, वो करना है, नहीं नहीं इस तरीके से आप लोग अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो वो आपको वर्क करना बंद कर देगा और आप लोग उस प्रिपरेशन को छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितना हो सके आप लोग अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखिए। आप लोग मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखिए। जब आपका दिमाग शांत होगा तभी बहुत सारी चीज़ों को ग्रैब कर पाएगा और बहुत प्रॉपरली वर्क करेगा। आई थिंक आप लोगों को ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से अपना टाइम टेबल फॉलो करना है। ये आपके ऊपर है, आपको पढ़ना है। ठीक है, आपके फ्रेंड को या टॉपर को नहीं पढ़ना है। यूटिलाइज योर टाइम वेल, जितना हो सकता है अपने टाइम को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करिए। समझ में आ रहा है ना, पढ़िए अच्छी तरीके से। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पर आप लोग सो जाइए, थोड़ा बहुत बाहर टहल लीजिए, स्नैक कर लीजिए, स्नैक खा लीजिए, कुछ भी, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लीजिए। ये नहीं है आप लोग फ़ोन उठा के बैठ गए और फिर 10-15 मिनट का वीडियो देखने लगे, फिर धीमे धीमे वो 10-15 मिनट का वीडियो कब 1 घंटे का हो गया, और फिर छोटे छोटे वीडियो देखने लिए 2-3 घंटे यहीं पर रह गए, आपका माइंड रिलैक्स नहीं हुआ और ज़्यादा थक गए आप लोग। तो आपको जो अनप्रोडक्टिव टाइम है उसको बहुत कम करिए, और जैसे जितना ज़्यादा हो सकता है अपने टाइम को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करिए। थोड़ा बहुत संघर्ष आपको ज़िंदगी में तो फेस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको सक्सेस कैसे मिलेगी। ये आपका टाइम है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको उसको कहाँ से वेस्ट करना है। आपको बहुत सारे वीडियो देखने हैं, एंटरटेन होना है, मूवी देखना है, यहाँ वहाँ जाना है, दोस्तों से बात करना है, ये सब चीज़ें करनी है, या फिर आपको उस पूरे टाइम को अपने प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट करना है और सिर्फ स्टडी करना है। ये आप लोगों को डिसाइड करना है। अगर आप लोग अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे क्या करना है लाइफ में, तो फिर आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कितनी पढ़ाई कर ली और ये 2 पॉइंट को आपने प्रॉपरली फॉलो नहीं किया तो आपका सिलेक्शन इस साल नहीं होगा, भूल जाइए बिल्कुल। तो इसमें से पहला पॉइंट है रिवीजन ऑन द रेगुलर बेसिस। रिवीजन, अगर कोई भी मेरे पास आए और वो मुझसे पूछे कि ये बताइए 3 चीज़ें बताइए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, IAS आपका क्लियर हो जाएगा, कोई भी एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा, तो मैं उससे सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, सिर्फ एक ही बात, रिवीजन और सिर्फ रिवीजन। अगर आप लोग प्रॉपर और एक प्रॉपर टाइम इंटरवल के बाद अगर आप लोग रिवीजन कर पा रहे हैं अच्छी तरीके से, अपनी जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उनको रिटेन कर पा रहे हैं एट अ इंस्टेंट, तो तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
देखिए होता क्या है कि जब हम लोग एग्जाम में, यहाँ तो पढ़ लिया मैंने बहुत सारी चीज़ें, एक सब्जेक्ट पढ़ लिया क्लियर हो गया, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया क्लियर, तीसरा पढ़ लिया क्लियर, और फिर जैसे पढ़ते चले जाते हैं फिलहाल क्लीन एंड क्लियर ही हो जाते हैं वो सारी चीज़ें पिछली वाली। आपको याद कुछ नहीं रहता, आपको लगता है कि मैंने पढ़ लिया लेकिन आपने उसका रिविजन नहीं किया, तो बिल्कुल क्लीन ही हो जाता है वो, कुछ आपको आता नहीं है उसमें। और फिर जब आप एग्जाम देने बैठे वहाँ पर बिल्कुल आपका क्लीन एंड क्लियर ही हो गया, दो तीन सब्जेक्ट ही याद आएंगे, बाकी पिछले वाले सब्जेक्ट याद नहीं आएंगे। तो देखिए इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है, कोई भी एक टेक्निकल का एक सब्जेक्ट उठा लीजिए, फर्स्ट सब्जेक्ट आपने क्लियर किया, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा, ठीक है। इसके पढ़ने के बाद आपने दूसरा सब्जेक्ट उठाया, दूसरा सब्जेक्ट आपने पढ़ा, अब जब ये दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने के जैसे ही कंप्लीट हुआ तो पहले सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट के दोनों सब्जेक्ट को रिविजन करिए, दोनों सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स को पढ़िए, इनसे रिलेटेड जो भी लास्ट ईयर क्वेश्चन है उनको लगा ही चुके थे आप लोग, जैसे आपने फर्स्ट पेपर पहला सब्जेक्ट पढ़ा था तो उसके बाद आप लोग सारे लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस, गेट के क्वेश्चन, आईएएस के क्वेश्चन, ये सारे लगा लिए थे आपने, सेकंड पढ़ा आपने उसके सारे क्वेश्चन लगा लिए थे, सारे रिवीजन कर लिए थे। अब आपको करना क्या है, अब जब दोबारा से अब रिवीजन के लिए एक दिन निकालिए, दो सब्जेक्ट पढ़ गए, तीसरा सब्जेक्ट आप तभी स्टार्ट करिए जब आपके दोनों सब्जेक्ट क्लियर हो गए हैं, आपके पढ़ लिए आपने, इन दोनों का एक ही दिन में रिवीजन करिए, कोशिश करिए दोनों का एक ही दिन में, हमें 5-6 घंटे में दोनों का रिवीजन करना है, 20 साल के सारे क्वेश्चन जो आपने लगाए थे उनको दोबारा से रिकॉल करना है, सारे कंसेप्ट नोट्स जो भी आपके टू द पॉइंट्स कंसेप्ट थे वो सारे रिकॉल करने हैं, और अभी हमें एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है, एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट इसका दो, एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट इसका दो, क्लियर। और इसमें अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तब आप थर्ड सब्जेक्ट की तरफ अप्रोच करिए, अदरवाइज फिर से दोबारा पढ़िए, दो दिन का टाइम निकाल के बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, फिर दोबारा टेस्ट दीजिए, तो इन दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर करिए, फिर थर्ड सब्जेक्ट के पास जाइए, फिर तीसरा सब्जेक्ट पढ़िए, और फिर इसके तीसरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करिए, एक दिन का टाइम निकालिए और इन तीनों सब्जेक्ट को फिर से रिकॉल करिए, फिर से इनके सारे कंसेप्ट फॉर्मूले 20 साल के फिर से दोबारा जो आपके क्वेश्चन लगाए हुए थे उनके कंसेप्ट जो बचे हुए थे जो आपको नहीं आ रहे थे, जैसे मैंने बताया था यहाँ पर सेकंड पॉइंट में जो नहीं आ रहे थे आपको, उनको दोबारा से बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए और फिर से टेस्ट दीजिए इन तीनों सब्जेक्ट का, और इन तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट देने के बाद आपको पता चलेगा कि आप लोग किस लेवल पर अभी पहुँच चुके हैं, ठीक है। ये आपका कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है, धीमे धीमे बढ़ेंगे चीज़ें, और ऐसे तरीके से 5-6 सब्जेक्ट जो आपके पढ़ रहे हैं तो इन 5-6 सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपकी टेस्ट सीरीज हो रही है उसको टेस्ट दीजिए, फिर इसके बाद मतलब एक अगर मान लीजिए आप लोग टेस्ट नहीं भी दे पा रहे हैं एंड में आपके टेस्ट कम पड़ गए हैं तो गेट के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आईएएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन जो कुछ करना है कर लीजिए, अदरवाइज आप लोग रिवीजन करते रहिए रेगुलर बेसिस पे, एक दिन निकालिए जरूर जब आप लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट करें तो लास्ट के जितने भी सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर चुके थे उन सभी का प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए आप लोगों के, टिप पे चीज़ें होनी चाहिए, जैसे ये नहीं आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपसे ये भी सारी चीज़ें पूछें, आप जो भी पिछले जो भी सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं उनकी सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल टू द पॉइंट क्लियर होनी चाहिए, सारी चीज़ें बिल्कुल आपके टिप पे होनी चाहिए, किसी ने कोई फॉर्मूला पूछा तुरंत बताओ, क्लियर ना। अगर आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं अभी तो वो बात अलग है, लेकिन आप पढ़ चुके हो तो उसकी सारी चीज़ें आप लोग क्लियर होनी चाहिए। चलिए और ये लास्ट पॉइंट को और देख लीजिए, टेस्ट सीरीज, ठीक है। पढ़ा तो मैंने बहुत, रिविजन भी बहुत कर लिया लेकिन अपना एनालिसिस नहीं कर पाया मैंने, तो जो आपको परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना है अपने अपना एनालिसिस करना है आप लोगों की, आप लोग कहाँ पे अभी लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और प्रॉपरली टेस्ट दीजिए। दिस इज द वास्ट डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज एंड द परफॉर्मेंस। आपको नॉलेज बहुत है लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उसको, अपने मार्क्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वेस्ट है आप लोगों के लिए, कोई मतलब नहीं उस नॉलेज का, ठीक है, क्योंकि आपको एट लास्ट मार्क्स लेके आने हो तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले आप लोग किसी भी एक बड़ी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, और अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करिए थ्रू टेस्ट सीरीज। आप लोग पहले एक टेस्ट दीजिए और अपनी गलतियों को देखिए, और टेस्ट का प्रॉपर टेस्ट देने के बाद ये नहीं आपके मार्क्स आ गए और आपने छोड़ दिया, जो भी आपने क्वेश्चन गलत किए उसमें वो अपने शॉर्ट नोट्स में उनको कवर करिए, जो भी कंसेप्ट आपके मिस हो गए आपको नहीं पता वो भी अपने शॉर्ट नोट्स में लिखिए, ठीक है ना। और फिर कोशिश करिए जो भी आपने छोटी छोटी मिस्टेक की है, कभी आपने यूनिट पढ़ने में मिस्टेक कर दी, कभी आपने ऑप्शन फिल करने में मिस्टेक कर दी, कभी आपने पढ़ा कुछ और टिक कुछ और कर दिया, पढ़ा कुछ और समझा कुछ और सॉल्यूशन अलग निकाल दिया, ये सारी मिस्टेक अगर आपने पहले टेस्ट में कर दी है तो कोशिश करिए मिस्टेक आपकी दोबारा दूसरे टेस्ट में ना होने पाए, तभी जाके आपका कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो पाएगा और जाके आप लोग इस अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, तब जाके धीमे धीमे आपका टेस्ट आपका स्कोर बढ़ने लगेगा। आप डरते बहुत हैं, होता क्या है जैसे आपने पहला टेस्ट दिया और आपके पहला आपके जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट पढ़ा आपने टेक्निकल, वो पहला टेस्ट दिया आपके 50 मार्क्स का टेस्ट दिया, आपके 10 मार्क्स आया, बहुत डर गए यार बहुत कम है और नहीं पढ़ेंगे कैसा क्या करेंगे, फिर क्या करिए, दोबारा पढ़िए उसको, दोबारा से टेस्ट दीजिए, तीसरी बार पढ़िए, तीसरी बार में आप क्या करिए लास्ट ईयर के गेट के सारे क्वेश्चन लगा लीजिए, आईएएस के सारे क्वेश्चन लगा लीजिए, ये जो आपने गलतियाँ की हैं पहले और दूसरे पॉइंट में इनको मत करिए, फिर देखिए तीसरे में आपके ऑब्वियसली आपका स्कोर बढ़ेगा, और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब उसमें आपका और ज़्यादा आपका स्कोर बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं टेस्ट सीरीज के थ्रू, आप लोग परफॉर्मेंस को
मीजरमेंट कर पाते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट ला पाते हैं। जो भी गलतियाँ कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज इसलिए दी जाती है कि जो भी मैं गलतियाँ कर रहा हूँ अपने नॉलेज और परफॉर्मेंस के बीच में जो भी हमें डिफरेंस आ रहा है उसको हम फुलफिल कर पाते हैं थ्रू टेस्ट सीरीज। और हम गलतियाँ नहीं करते, अपनी गलतियों को बिल्कुल हम हैबिचुअल हो जाते हैं चीज़ों को सुधारने के लिए। तो वो सारी चीज़ें आपकी तभी सुधरेंगी जब आप लोग टेस्ट सीरीज देंगे और अपना एनालिसिस करते रहेंगे। आप लोग पता रहेगा कि आपने कितने सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं आप लोगों के, कितना टाइम बचा हुआ है आप लोगों के पास, और उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी पढ़ाई करनी है। अभी मैं बता दूं आपको कि आप लोगों के पास 4 महीने बचे हुए हैं, 12 सब्जेक्ट हैं, तो आप लोग 3-3 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए अलग। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ सब्जेक्ट छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, अपने अकॉर्डिंग पढ़िए, ना कि मेरे अकॉर्डिंग। अपना टाइम टेबल खुद फॉलो करिए। आपको लगना चाहिए कि अभी हमारे पास, अभी आपका जैसे जुलाई कंप्लीट हो गया तो आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर तक कोशिश करिए कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जनरल स्टडी कंप्लीट हो जाए और आपका टेक्निकल, तीन दोनों पोर्शन आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों कंप्लीट हो जाए, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, तब जाके सोचिए कि आप लोग आईएएस प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे। और नवंबर और दिसंबर में सिर्फ और सिर्फ रिविजन करिए और टेस्ट सीरीज दीजिए। टेस्ट सीरीज आपके इंप्रूवमेंट के लिए है, परफॉर्मेंस एनहेंस करने के लिए आप लोगों के लिए और सुधार करने के लिए, और रिविजन आपके जो भी आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करने के लिए, ठीक है ना। तो नवंबर में आप लोग टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर ही दीजिए और अच्छे तरीके से। और ये नवंबर दिसंबर में आप लोग फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। कोशिश करिए कि अगर आपके सब्जेक्ट क्लियर हो गए हैं, आपने कुछ सब्जेक्ट टेस्ट बचे हुए हैं, तो नवंबर में दे लीजिए उनको, लेकिन दिसंबर में सिर्फ और सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट दीजिए और ज़्यादा हो सकता है तो रिविजन करिए, ठीक है ना। तो ये जो आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी और आपके टू द पॉइंट्स जो आपके माइलस्टोन क्लियर करने हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं सारी चीज़ें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अब पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स का सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।